हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। आज हम तीनों फिर से आपसे यही अपील करने वाले हैं, डोंट गो आउट #stayhome, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वायरस से, इस महामारी से अब आपको और हमको बचा सकती है। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू हो चुका है। कोरोना की हर खबर, हर तस्वीर, हर पहलू आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज की दो बड़ी खबरें दिखा देते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो चुका है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कह दिया है कि 21 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था रात 8 बजे और उसमें साफ कर दिया था कि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी अपने घरों से नहीं निकलेगा। और इन सब के बीच आज की दो बड़ी तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री के लॉकडाउन की पहली सुबह की, और दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ टेंट से कॉटेज में किस तरह से रामदला शिफ्ट हो रहे हैं, उसका एक कार्यक्रम आप देख सकते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ रामदला को नया घर तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा नवरात्र के पूजन में भी वो हिस्सा लेते हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। दो तस्वीरें, इसकी दूसरी तस्वीर अयोध्या की बेहद खास, रामदला को नया घर मिल गया है, टेंट से कॉटेज में शिफ्ट हो गए हैं रामलला। फिर से आपको याद दिला दें, 21 दिनों का रहने वाला है ये लॉकडाउन। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन को बहुत सख्ती से पालन करने के निर्देश पीएम मोदी ने दे दिए हैं। तो ऐसे में घरों में बंद हो जाइए, एबीपी न्यूज तो पहले से कह रहा है बचना है तो बंद हो जाइए। अब इसका सख्ती से पालन भी करवाया जाएगा, इसलिए बी रेडी फॉर दैट। देखिए, आपने ये दो तस्वीरें आपके सामने है, एक राष्ट्र निर्माण के 21 दिन और ये 21 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 21 दिन अगर भारत ने घर में रह के बिता लिए तो कोरोना से मुक्त हो जाएगा भारत और जो संक्रमण का खतरा है वो भी टल जाएगा। ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें भगवान श्री राम की राजधानी अयोध्या में उनको नई जगह पर शिफ्ट किया गया है। जो चबूतरा था जहां पर रामलला विराजमान थे, वहां से उनको नए कॉटेज में ले जाया गया। तस्वीरें देख रहे थे आप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बीती रात 8 बजे कोरोना से निपटने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन का ऐलान किया। आधी रात 12 बजे से लागू हुआ लॉकडाउन 21 अप्रैल तक देश में जारी रहेगा। माफ कीजिएगा, 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहने वाला है और 21 दिनों का ये लॉकडाउन है। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए इसके अलावा दूसरा और कोई विकल्प अब बचा नहीं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऐलान के साथ ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। देश के अलग अलग शहरों में लोग खरीदारी के लिए बाहर निकलने लग गए, दुकानों के बाहर लोगों ने भीड़ जुटा दी, घर की रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए होड़ लग गई। 6 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप हालात समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि लोग किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, और आप देखिए लखनऊ में जो परचून की दुकानें हैं वहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। हर कोई प्रधानमंत्री के घोषणा के तुरंत बाद घरों से निकला और लोगों में डर है। देखिए किस तरीके से लोग ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं, यहाँ पे 3 दुकानें हैं, एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है। तीनों दुकानों पर इस तरह की भीड़ है, लोगों में जाहिर है कि एक आपाधापी है, एक डर है, एक भय है, एक शंका है कि आखिर अगर ये दुकानें नहीं खुली या जरूरत की चीज़ें नहीं मिली तो इनका दिन कैसे कटेगा। इसलिए 21 दिन की घोषणा के तुरंत बाद दुकानों में अचानक भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, और सरकार के तमाम निर्देशों के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ डर है। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री के 21 दिन के देश में लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद लोगों में एक डर जैसी स्थिति है, और इसका नज़ारा देखना हो तो लखनऊ में इस लाइन को देखिए जो एटीएम के बाहर खड़ी है, और ये भीड़ है लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव इलाके में। ये देखिए कि ये एक SBI का ATM है, जिस ATM के बाहर लोगों ने एक एक मीटर की दूरी बनाकर लाइन लगा रखी है, सिर्फ इसलिए कि लोगों में डर है कि कहीं 21 दिन के लॉकडाउन में जो पैसे हैं अगर वो नहीं आए तो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें भी कहाँ से आएंगी। ऐसे में आनन फानन में लोग अपने घरों से निकले और घरों से निकल कर इस तरीके से ATM के पास इंतज़ार में खड़े हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी पैसा है वो निकाल सके, ताकि 21 दिन का ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इस दौरान वो अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें है वो खरीद सके।
हर कोई कैश नहीं रखता है। हालांकि सरकार लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि लोग डिजिटल पेमेंट करें, लेकिन हर जगह डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है और इस वजह से लोग इस तरीके से जल्दी जल्दी एटीएम में पहुंचे हैं ताकि कुछ कैश निकाल सकें और 21 दिन का ये पीरियड जो है वो गुजर जाए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। मैं मौजूद हूँ पटना के जगदेव पथ का ये मेडिकल शॉप और यहाँ पर किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं मेडिकल शॉप के बाहर। ये देखिए कि जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से कर्फ्यू हो जाएगा। लोगों को इस बात का डर है कि दवाइयां शायद नहीं मिले या जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, लिमिटेड स्टॉक होगा। और इन सब सवालों के साथ तमाम लोग जो है वो इस तरीके से लाइन में लगकर दवाइयां खरीदने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं जगदेव पथ से, तो जिस तरीके से आज, हालांकि ये भी साथ साथ कहा गया है कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होंगी, मेडिकल शॉप खुले रहेंगे, जनरल स्टोर खुले रहेंगे, बैंक खुले रहेंगे, बावजूद इसके लोगों के मन में डर है कि दवाइयां खत्म हो जाएगा शायद, और इस वजह से लोगों के बीच एक होड़ सी मच गई है कि जल्द से जल्द वो मेडिकल शॉप जाए। और अभी अक्सर ये वक्त नहीं होता है मेडिकल शॉप के खुले रहने का, मेडिकल शॉप जो है वो बंद हो जाता है बावजूद उसके, चूंकि लोग इतनी ज्यादा है लोगों की संख्या कि मेडिकल शॉप को भी खोल दिया गया है, दुकान अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। और इस तरीके से लोग जो है वो डिस्टेंस, एक तरीके से कहा जाए तो डिस्टेंस जरूर मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ साथ इनकी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द मेडिकल शॉप पहुंचे और जो दवाई ये लेने आए हैं वो दवाई इनको जरूर मिल जाए, और ये उम्मीद के साथ तमाम लोग मेडिकल शॉप पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। पीएम मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके बाद मार्केट्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम से लोगों में पैनिक जो है उसकी सिचुएशन देख सकते हैं आप। दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, लोग जो है सब्जियां खरीदने के लिए, जो बाकी जरूरी चीजें हैं उसे खरीदने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क जरूर पहने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में घरों से बाहर निकलकर आ गए हैं। दरअसल लोगों को ये पैनिक है, ये चिंता है कि जो सामान है वो आने वाले दिनों में उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर कितने सारे लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई थी उसमें अभी तक घरों के अंदर थे, लेकिन पीएम मोदी के फिलहाल भाषण के बाद, उनकी स्पीच के बाद जो लोग हैं वो दुकानों की तरफ रुख कर चुके हैं और जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर आए हैं। आप अपने घरों में ही बने रहें, पीएम मोदी ने जो दरख्वास्त आपसे करी है आप उस दरख्वास्त का पूरा सम्मान करें, लॉकडाउन का सम्मान करें, क्योंकि जरूरी चीजों का आपको किसी तरह से कोई भी रोका नहीं जाएगा, सारी जरूरी चीजें आप तक उपलब्ध जरूर की जाएंगी। अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।